हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं थोड़ा धूप ले रही हूँ, इसे भी लगा रही हूँ, ये देखिए। और मैं यहाँ मटर छील रही हूँ, ये देखिए, और मेथी। तो ये मेरा हो गया है, ये मटर मेरा बचा है बहुत सारा, अभी भी खा रहा है। और ये अभी मिष्टी दोई भी खा रहा है, ये देखिए। इसको मैं धूप में बैठा के खिलाई ताकि ठंड जुकाम वुकाम ना हो। और ये आइसक्रीम समझता है इसको, तो मैं इसे खिला रही हूँ। और मैं अभी खाना में बनाऊंगी, रेसिपी है मेरी आज की दाल की बड़ी बना के, और मैं काली मसूर की दाल। तो मेरी आज की रेसिपी एक करके रखा है, मैं पेपर इसलिए लगाई क्योंकि ये फर्श है तो साफ हो जाएगी जल्दी से ही, और बाहर में भी है तो मैं बैठ गई, मैंने जल्दी कर लेती हूँ। तो ये मेरी मटर बची है, ये मेरी मेथी हो गई, मैंने मेथी को चुन के रख लिया है। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने घर को सेट कर रही हूँ। मेरा घर बहुत ही मतलब बिस्तर बिखरे हुए थे, कपड़े बिखरे हुए थे, तो मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि लोग सोए हुए थे। टीटो थोड़ा लेट से उठा था और टीटो यहाँ बहुत मस्ती कर रहा है, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा है। और खाली इधर से उधर हो रहा, बार बार कैमरे के पास जा रहा था, मुझे डर लगा था कैमरा मोबाइल ना गिर जाए, तो इसीलिए मैं उसे डांट रही थी कि इधर आ जाओ बोल रही थी। और मैं यहाँ पर रजाई को सेट करके रखी, रजाई गिर गया और टीटो बोलता है मम्मी गिर गया गिर गया गिर गया कहते, तो वो मेरे ऊपर मजाक बना रहा था, हंस रहा था मुझ पर। और यहाँ पर वो पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा है, पढ़ तो नहीं रहा है, बस लेके बैठा है, बुक दे दो मैं चलो ले लो। सो गाइस, मेरा काम हो गया है, देखिए क्लीन कर दिया है, थोड़ा बहुत है वो भी हो जाएगा। और मेरा नहाना हो गया, पूजा भी हो गया, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये मेरी आज की रेसिपी, यह है काली मसूर राइस और ये है पोड़े उड़द दाल का, इसी से मैं बहुत अच्छा खा लूँगा। ये चटनी, ये मैंने पीस के बनाया है सिलबट्टे में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ये खाते हैं, पीस के बनाते हैं। इसकी भी रेसिपी कभी दिखाऊंगी मैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ पार्क। मेरी फ्रेंड बोली कि चलो थोड़ा घुमाते, बच्चों को भी खेलना हो जाएगा, तो मैं बोली चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं पार्क, तो वहाँ का मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगी कैसा है। ये बड़ा पार्क है, ये ओपन पार्क है, तो इसमें बहुत टाइप के लोग आते हैं, ये कॉलोनी का नहीं है। तो चलिए लेट्स गो चलते। तो यहाँ पे बहुत टाइप के लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं, थोड़ा बैठते हैं। अब दिल्ली में तो कहीं ऐसा जगह नहीं ना खाली टाइप का, तो पार्क नहीं आते हैं लोग, सबको ही पता है। और मैं यहाँ पर, ये मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं इसकी थोड़ा सा वीडियो बना ली। ये बहुत प्यारे लग रहे थे दूर से, एकदम रेडिश, तो बना ली। और अभी हो गया शाम को, अब नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब धीरे धीरे मतलब रात हो रही थी, शाम हो रही थी, और मैंने बोला चलो थोड़ा सा और बना लिया जाए। फिर हम थोड़ा कुछ खाने गए, हमें भूख भी लग रही थी, तो वहाँ मोमोज, पानी पूरी, बहुत टाइप की चीज़ मिलते हैं, जैसे सारे वेज ही है, कोई नॉन वेज नहीं है यहाँ पर, नॉन वेज बहुत कम मिलता है। और इसको, ये गिर गई थी तो इसके भाई ने उसको उठाया, तो ये भाग रही है, बोलती मुझे जाना है, और हम मोमोज खाने आ गए हैं। ये देखिए, मोमोज तो नहीं खाएंगे क्योंकि मुझे वेज मोमोज पसंद नहीं है, तो मैं स्प्रिंग रोल मंगाई रोल। हेलो, हम गोलगप्पा खाने। कहाँ है गोलगप्पा? यहाँ गोलगप्पा, ये गोलगप्पा है, ये गोलगप्पा है, देखो एक गोलगप्पा। ये शूट कर रहा है मेरा बेटा। Hold tight, hold tight.
तो अब हम खाली है, अब जा रहे हैं हनुमान जी के फ्लैट में, वहाँ पे जाके वहीं बनाएंगे। अब हनुमान जी फ्लैट के पार्क में वहाँ पे जाके, वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पर हम हमेशा जाते हैं, वहीं की हूँ। तो चलिए देखते हैं वहाँ। हेलो यार, लॉटरी लग रही है। यहाँ पे टीटू सिंग कर रहा है और वहाँ से एक लड़की आ रही है। मुझे लगा पहले तो पूरे काली काला लग रहा था, ब्लैक ब्लैक, तो मैं डर गई पहले तो, सोची पता नहीं कौन आ रही है। फिर देखा तो ये बच्ची है करके, अरे अच्छा, फिर यहाँ सारे बच्चे की। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और अभी 8:30 बज रहे हैं। टीटू को कुछ खिलाना है और अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने। मैं भी थक गई हूँ, बहुत मज़ा आया बाहर में, हम रील्स बनाए, बहुत मस्ती की है, बच्चे खेले, हमें बहुत अच्छा लगा पार्क में। अब तो गर्मी आ गई है थोड़ी बहुत, हल्की हल्की ठंड थी, ज़्यादा ठंड थी नहीं, तो अब मज़ा आता है पार्क में जाने में, क्योंकि इतने दिन से ठंड था तो हम पार्क नहीं जा पा रहे थे। तो अब जाएंगे बीच बीच में, और बाकी के लिए मैं कल बताऊँगी कल मैं क्या कर रही हूँ। और अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, तो बाय, ओके, शबा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट आप लोग सब मेरे दोस्त, बाय।